रेडी? हाँ भाई सब, तो आज जो कविता है प्रकृति के कहर से कैसे बचा जाए। हुआ क्या कि परसों जो है मैं चला गया, मम्मी बोल रही थी लगता बारिश होने वाला है, छतरी लेके जा। मैं बात मानी नहीं, चला गया ठीक है। और 20-25 मिनट तक जो है ना मेट्रो स्टेशन पे इंतजार करता रहा कि कब बारिश रुकेगी। बारिश का कोई दिन ईमान नहीं आज के टाइम में, ठीक है। तो इसी पे कविता लिखी है कि बारिश का कोई दिन ईमान नहीं, बारिश का कोई दिन ईमान नहीं, पता नहीं कब और कहाँ बरस जाए, इसे इस बात से भी फर्क नहीं, कि कौन कहीं प्यासा तरस जाए, अब देखो ना, माँ की बात न मान कितनी देर से फंसा पड़ा हूँ, सवेरे ही माँ कह रही थी, बिना छतरी के कोई बाहर न जाए, रोड या पुल की क्या औकात, ये पूरा का पूरा गांव निकल जाए, और हरदम डर सताता रहता है कि कहीं बादल न फट जाए, देश ही नहीं पूरे विश्व में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। कोई समझ नहीं पा रहा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, क्या इंसान, क्या मवेशी बाढ़ में पक्के घर भी न बच पाए, और सरकारें परेशान है, कि राहत कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पहुँचाया जाए, त्राहिमाम कर रही है जनता पर कहर नहीं रुक रहा। क्यों ना डायरेक्ट भगवान इंद्र से ही गुहार लगाई जाए, पहले इतनी बारिश न थी, पर अब बारिश रुक न पाए, और कृष्णा भी है रूठे रूठे, बोलो अब गोवर्धन कौन उठाए, सारे रिसर्च है बता रहे, एक ग्लोबल वार्मिंग का है असर, समस्या है परे अंधी विकास पे कैसे रोक लगाया जाए, अति जल वृष्टि की चुनौती से, बचने के करने होंगे हमें उपाय, अतिक्रमित झील और जलाशयों की तुरंत पहचान की जाए, नदी नालों के से गाद निकाल सबको और गहरा किया जाए, सड़क घर पुल की निर्माण की तकनीक बदली जाए, नुकसान प्रकृति का जितना हो गया उसको कैसे वापस लौटाया जाए, जंगल बसा के पहाड़ों को दोहन और अतिक्रमण से बचाया जाए, वृक्षारोपण जंगल लगाना, वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय के साथ ओजोन परत को फिर से कैसे पुराने रूप में लाया जाए, और आखिरी चार लाइन है दोस्तों कि युद्ध के फितूर में फंसे देशों को कैसे समझाया जाए, विनाशी दिशा को मोड़ के कैसे इनको संरक्षण के कार्य में लगाया जाए, और दुनिया प्रलय के राह पे तेजी से बढ़ रही है, दोस्तों विध्वंसकारी प्रवृत्ति पे रोक लगाने के हर हाल में उपाय किया जाए, थैंक यू।